नहीं मिलेगा महामारी के दौरान रुका 18 महीने का डीए, सरकार ने बचाए थे 34,402 करोड़। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को रोका गया 18 माह का महंगाई भत्ता डीए उन्हें नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित में जवाब देते हुए कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की 3 किस्तों का बकाया दिए जाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को जारी महंगाई भत्ते को रोकने का फैसला कोरोना महामारी से पैदा हुए आर्थिक व्यवधान के चलते लिया गया था, जिससे सरकार पर वित्तीय बोझ को कम किया जा सके। सरकार ने इसके जरिए 34,402 करोड़ रुपए की धनराशि बचाई थी। उधर केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में बताया कि सरकार ने अगले वित्त वर्ष तक रक्षा उत्पादन को 1,75,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इसमें से करीब 35,000 करोड़ रुपए की रक्षा उत्पाद निर्यात का लक्ष्य भी शामिल है। 2021 और 22 में निजी कंपनी और राज्य संचालित रक्षा निर्माताओं का उत्पादन का 86,078 करोड़ रुपए पहुंच गया। 2020 और 21 में देश में रक्षा उत्पादन 88,631 करोड़ रुपए था। इससे पहले 2019 और 20 में 63,722 करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन हुआ था। 2018 और 19 में 50,499 करोड़ और 2017 और 18 में 54,951 करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन देश में हुआ था। इसके साथ इन्होंने बताया कि 2021 और 22 में 12,815 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात किया गया। डीआरडीओ की 23 परियोजनाएं समय सीमा से चल रही हैं पीछे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की 55 उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से 23 समय सीमा को पूरा नहीं कर सकी। उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में एंटी एयरफील्ड हथियार, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, जहाज रोधी मिसाइल, लंबी दूरी के रडार, लड़ाकू वाहन, पनडुब्बियों के लिए लड़ाकू सूट और पनडुब्बी पेरिस्कोप विकसित करना शामिल था।